नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कार्बनिक खेती के बारे में। कार्बनिक खेती दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम, कार्बनिक खेती में इस कृषि में हम रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि 0% रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसकी एक परिभाषा है जिसको हम बता रहे हैं आपको। इसमें लिखा है साफ साफ, खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता, अपितु जीवांश पदार्थों वाले कृषि आगतों का प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि प्रिकॉशन फार्मिंग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस खेती की इस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इंटरनेशनल फोरम फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOM ने 1998 में एक अपनी परिभाषा दी है, उसकी एक आधुनिक परिभाषा है जिसमें लिखा है, आधुनिक कृषि से उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु कार्बनिक अथवा सुसंगत कृषि की सिफारिश की थी। भारत में जीवांश खेती की शुरुआत अक्टूबर 2004 से की गई थी और ऑर्गेनिक खेती में जैसे कि आप जानते हैं कि जैविक उर्वरक और जैविक रसायनों, जैविक शाकनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये होती है कि जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, ना कि इसमें जैसे यूरिया, पोटास, DAP, डायमोनियम फास्फेट और सल्फर ये सारी चीज़ें यूज किए जाएँ उसमें। इन सबकी जगह पर जैसे इन खादों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि इन चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हम जैसे कि हम नॉर्मल साधारण तौर पर क्या करते हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमको कार्बनिक खेती में ये चीज़ें नहीं करनी है। कार्बनिक खेती में हम उन चीज़ों को करते हैं जो रसायन से तैयार नहीं होते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, मुर्गी की खाद, पोल्ट्री फार्म का वेस्ट और डेयरी फार्मों का जो है मूत्र और गायों का मूत्र, गोबर, इन सबको एक सड़ा करके कंपोस्ट तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट अर्थवार्म से तैयार किया गया होता है, जो घरेलू कचरा रहता है उसको डाल करके तैयार किया जाता है अर्थवार्म। इन सब चीज़ों को मिला करके जो तैयार किया जाता है उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर जो जैविक उर्वरक होता है, इसमें रसायन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती और इसका सबसे मुख्य फायदा ये होता है कि अगर हम इन खादों का प्रयोग करते हैं अपने खेती में तो जो प्रोडक्ट हमारा होता है, जो भी पैदावार होती है सब्जियों की, अनाजों की और जो भी नकदी फसलें हैं, इसमें टॉक्सिन्स नहीं होता है। और जो टॉक्सिन्स रसायन से उत्पादित फसलें होती हैं उसमें टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें रासायनिक खेती नहीं करनी चाहिए, हम ऑर्गेनिक खेती में ही इन्हीं सोर्स साधनों से प्राप्त खाद का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।